एक तरफ दिल्ली में जहां वोटिंग हो रही है तो दूसरी तरफ बिहार में राजनीतिक उठापटक तेज है। नीतीश के खिलाफ मांझी की बगावत एक बार फिर से सामने आ गई है। मांझी ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश वाला प्रस्ताव पेश किया कैबिनेट की बैठक में, हालांकि वो प्रस्ताव खारिज हो गया है। आज क्या कुछ हुआ है बिहार के सियासी संकट में हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश के खिलाफ मांझी की बगावत एक बार फिर से सामने आ गई है। पहले ये जानकारी आपको दे देते हैं, मांझी ने विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव रखा। मांझी ने कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव रखा कि विधानसभा भंग कर दिया जाए, लेकिन चूंकि कई ऐसे विधायक थे जो नीतीश कैंप के थे, उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद ये प्रस्ताव खारिज हो गया है। बगावती तेवर एक बार फिर से मांझी के सामने आ गए हैं। हालांकि आज नीतीश कुमार से जीतन राम मांझी, जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनकी मुलाकात भी हुई है। माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के नाम पर जीतन राम मांझी इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हैं। को नकाब करेंगे जिन लोगों ने डेमोक्रेसी के साथ मजाक उड़ाने का प्रस्ताव किया। बायकॉट क्यों किया? बायकॉट नहीं किया हम लोगों ने, पूरा बजाबता खत्म हुई, हम लोगों ने उसे खारिज करा करके और वहां से चले हैं। इस्तीफा इस्तीफा हम लोग चल यार देर है, चल यार तेरा बोल दीजिए। ये बता दीजिए कि क्या कुछ हुआ वहाँ पर, जिस कारण से आप लोगों को निकलना नहीं पड़ा। हम लोग तो निकलना ही था, रुको निकलना ही था, वो खारिज हो गया। यही बात आई कि विधानसभा भंग करने की जो प्रस्ताव लाया गया, दो तिहाई बहुमत से मंत्रियों के द्वारा इसको खारिज किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में विधानसभा भंग करने के पक्षधर सब नहीं है, इसलिए मात्र छह मंत्री छोड़कर सभी मंत्रियों ने इसका विरोध किया। आज की रणनीति हम लोग की ये नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि राज्यपाल जी को इसकी सूचना जरूर देना चाहिए कि सभी मंत्रियों की मंशा ये है। कुछ मंत्री हैं जो भंग करने का उनकी मामूली संख्या है, इसलिए इसको भंग न किया जाए। नहीं, मैं बता चुका हूँ, माननीय नरेंद्र जी थे, बिपिन पटेल जी थे और शाहिद अली जी थे, नीतीश मिश्रा जी थे, भीम चंद्र वंशी जी थे और विनय बिहारी जी थे। जी विधानसभा भंग करने के बाद सीएम की तरफ से लाया गया, सीएम की तरफ एक प्रस्ताव लाया नरेंद्र सिंह जी ने कि ऐसा हम लोग एक प्रस्ताव ले लें कैबिनेट में कि विधानसभा भंग करने की अगर आवश्यकता पड़े तो भंग किया जाए। इस पर सारे मंत्रियों ने विरोध किया, मात्र सात मंत्री को छोड़कर बाकी सारे मंत्री ने इसका विरोध किया। जो पूरा जो जीतन राम मांझी ने जो स्टेप उठाया, इस पर क्या कहना है आपका? जीतन राम मांझी जी ने स्टेप जो उठाया है वो माननीय मंत्रियों को भावना को देख के नहीं उठाया, माननीय विधायकों की भावना को देख के नहीं उठाया। जो फैसला वो लेने वाले हैं उसमें न बिहार की जनता का भावना का ख्याल रखेंगे और न ही माननीय विधायक और मंत्रियों का ध्यान। अगला कदम क्या होगा? हम लोग का अगला कदम तो अभी 4 बजे से मीटिंग है, मीटिंगवा में सब बात होगा, खुल के बात होगा, वहाँ 4 बजे के बाद पूछिएगा तो सब बात बता देंगे। बात हो रही थी उसमें क्या हुआ? अब उसके बारे में हमको नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं, हमको नहीं मालूम। आपके समर्थन कितने लोग हैं? आप लोग के समर्थन मांझी जी का कदम नहीं है, ये भाजपा का कदम है, आई आत्मघाती कदम कर दिया गया है। प्रस्ताव आया है, अब प्रस्ताव आ गया है, उस पर अब कार्रवाई करें। तो आप लोग मतलब फिर से कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ। नीतीश खेमे के जितने भी मंत्री विधायक हैं उनका यही मानना है कि ये जो कदम है जीतन राम मांझी का, ये मांझी का कदम नहीं होकर इसके पीछे बीजेपी है और बीजेपी का ये आत्मघाती कदम है। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर जेडीयू की ओर से सवाल खड़े कर दिए गए हैं। अभिषेक चंद्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक तरफ जो प्रस्ताव था विधानसभा भंग करने का वो तो खारिज हो गया है क्योंकि दो तिहाई मंत्री इसके खिलाफ थे, लेकिन बड़ा सवाल यही है, जेडीयू का मानना है कि दरअसल मांझी जो भी कदम आगे बढ़ा रहे हैं उसके पीछे बीजेपी है। बिल्कुल चित्रा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पिछले 8 महीने से जब से जीतन राम मांझी ने बिहार का पदभार संभाला है तब से बीजेपी एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो जीतन राम मांझी के लिए रखती है। जीतन राम मांझी के बारे में कई बार कई मंत्रियों ने, कई बीजेपी नेताओं ने ये तथ्य दिया है। सीपी ठाकुर ने हमें ही कहा था कि अगर मांझी बीजेपी में आना चाहें तो हम बीजेपी उनका स्वागत करेगी। तो बीजेपी के दौर जो है वो जीतन राम मांझी के लिए खुले हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगले आधे घंटे में जीतन राम मांझी क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह से उनकी हार। अभिषेक, आपका रुख मैं करूंगी जेडीयू के नेता नीरज कुमार जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है,
मांझी जी ने तो सीधे सीधे आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के राह पर वो चल पड़े हैं, इस तरह के आरोप क्यों? लोकतंत्र में बहुमत की भावना का सम्मान करना चाहिए। राज्य मंत्री परिषद में माननीय मंत्री नरेंद्र सिंह द्वारा जब प्रस्ताव ला गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया जाए विधानसभा भंग करने का, यह पूर्णतः अवैध, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक है। ये बिल्कुल बहुमत का फैसला होता है ना, बहुमत के लोगों ने उसको रिजेक्ट किया उस प्रस्ताव को जी। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि महामहिम इसको संज्ञान में लेंगे, कैबिनेट की प्रोसीडिंग है उसमें ये दर्ज हुआ होगा। ये किसको अधिकार है, लोकतंत्र में ये अधिकार होता नहीं है। अरे और मुख्यमंत्री का ये अधिकार है, उनके समर्थक नीरज सिंह की ओर से ये प्रस्ताव रखा गया है। जीतन राम मांझी ऐसा कर क्यों रहे हैं अगर जेडीयू के बाकी नेता मंत्री इसके लिए तैयार नहीं है तो? अब भाई अब किन कारणों से प्रभावित है आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वह शाहनवाज हुसैन हो, चाहे राजीव प्रताप रूड़ी हो, या रामविलास पासवान जी हो, वो बेहतर मुख्यमंत्री बताते थे इनको। तो जो बेहतर मुख्यमंत्री बता रहा था उसके बेहतर सलाह मिले होंगे इनको। यानी कि आपको लगता है कि जीतन राम मांझी के हर एक कदम के पीछे बीजेपी है? जो उन्होंने नजरिया पेश किया है हाल के दिनों में, तो उससे इस बात की पुष्टि होती है कि दिल्ली में जो सरकार बैठी हुई है उनके नीतियों को पोषित करने के लिए वो बेचैन है। लेकिन यहाँ पर कल जीतन राम मांझी की ओर से कहा गया एक दलित का चीरहरण हो रहा है और नीतीश कुमार मूक दर्शक बने हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? तो 6-7 महीने के अंदर में महादलितों के लिए तो कोई कार्य योजना उन्होंने बनाई नहीं। सत्ता केवल अपने लिए होता है, कि सत्ता सामाजिक संदर्भ में होता है। महादलितों को अगर पहचान राजनीतिक रूप से दिया तो नीतीश कुमार जी ने दिया, उनको रोजगार के अवसर दिए और पार्टी के द्वारा जो नीतियां जो कार्यक्रम तय थे उसका पालन उन्होंने नहीं किया, ये चिंताजनक बात है जी। नीरज जी मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहिए। रामेश्वर चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता। रामेश्वर जी, मांझी जी जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे बीजेपी है, ये आरोप लगा रही है जेडीयू? आरोप लगाने के लिए तो कुछ भी लगाए, लेकिन एक बात तो जेडीयू में साफ है कि नीतीश कुमार जी जो सुप्रीमो बने हुए थे, मांझी जी को उन्होंने लाया सबके विरोध के बाद, खुद रिजाइन किए। जेडीयू ने, बीजेपी ने उनसे रिजिग्नेशन नहीं मांगा था, पहली बात। दूसरी बात, जब उन्होंने मांझी जी को बनाया तो बीजेपी से नहीं पूछा था, इनके खास हुआ करते थे। तो नीतीश जी खुद अपने अग्रबान में झांक करके देखे कि उनके प्रति लोगों की क्या श्रद्धा रह गई है, कि जिसको मुख्यमंत्री बनाया उसको डेली डिक्टेट करते हैं, डेली उसको बेइज्जत करते हैं, और महादलित का राग अलापते थे यही नीतीश जी। तो नीतीश जी को सिर्फ अपने से प्यार है, महादलितों से प्यार नहीं है, बिहार की जनता से प्यार नहीं है, जिसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को जीतन राम मांझी से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है। उमा भारती कहती है कि वो गरीबों के मसीहा है। हाँ चित्रा जी आप सही बोल रही है, बीजेपी कहाँ सीन में है अभी? अभी तो इनके पार्टी का मामला है, निपटना इनसे है। इनके एक आधे मंत्री बीजेपी के, जीतन राम मांझी के समर्थन में है, आधे विरोध में है, ये तो इनको जवाब देना चाहिए कि आखिर जीतन राम मांझी जी को बनाया तो क्यों इनके विरोध में है। अपनी कमियों पर इनको ध्यान देना चाहिए, दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, पार्टी तो टूट के कगार पे है। सुशील कुमार मोदी दिल्ली पहुंचे हैं, अमित शाह जी ने बैठक बुलाई है, क्या हो सकता है, क्या निर्णय लिया जा सकता है? मांझी जी को समर्थन करेंगे क्या आप लोग? अमित शाह जी ने बैठक बुलाई, हमारे पार्टी में बैठक चलते रहती है, अभी चुनाव की बैठक है, सारी चलते रहती है, ये एक अलग मुद्दा है, ये मामला बीजेपी से संबंधित कहाँ है। हाँ पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उस पर बीजेपी नजर रखे हुए है कि क्या डेवलपमेंट होता है। अभी तो हमने सुना कि इनके कैबिनेट में प्रस्ताव रखा गया डिजॉल्व करने का, तो इनके ही मंत्री विरोध कर दिए, ये चुनाव में डर से जाना नहीं चाहते। लेकिन जीतन राम मांझी जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है क्या, क्योंकि 2/3 ऐसे मंत्री थे जो विधानसभा भंग नहीं करना चाह रहे थे? जीतन राम मांझी कर रहे हैं वो ठीक है, नीतीश जी कर रहे हैं ठीक है, लालू जी कर रहे हैं ठीक है, कोई चीज ठीक नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो बिहार के डेवलपमेंट का हो रहा है, सबसे ज्यादा परेशान बिहार की जनता है, सारा डेवलपमेंट रुक चुका है इनकी लड़ाई में, सरकार आपस में लड़ रही है, सरकार और पार्टी, तो इससे क्या उम्मीद कर सकती है बिहार की जनता? सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल बिहार की जनता की है। रामेश्वर जी मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहिए, केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुका है। सारा डेवलपमेंट रुक चुका है इनकी लड़ाई में, सरकार आपस में लड़ रही है, सरकार और पार्टी, तो इससे क्या उम्मीद कर सकती है बिहार की जनता? सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल बिहार की जनता की है। रामेश्वर जी मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहिए, केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू के महासचिव। केसी त्यागी साहब, जनता दल यूनाइटेड के बीच ये महाभारत वाली स्थिति क्यों पैदा हो गई है, और आप लोग आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है? बीजेपी की
सभी नेताओं ने पिछले 24 घंटे में जो वक्तव्य दिए हैं वो श्री जीतन राम मांझी की मदद के लिए दिए हैं। अब से चार दिन पहले बीजेपी के सभी नेता कहते थे कि ये जंगल राज है, जातीय युद्ध की तरफ बढ़ा रहे हैं, कानून व्यवस्था खराब हो गई है, मांझी को इस्तीफा देना चाहिए। तो अचानक कैसे मांझी इनके लिए प्रिय हो गए? जीतन राम मांझी को जो एजेंडा दिया गया है दिल्ली के भाजपा के नेताओं ने जी, उसी पर वो अमल कर रहे हैं। ये अशोक रोड से जो संचालित राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, स्क्रिप्ट जो है जनता दल की स्प्रिट जो है उसकी स्प्रिट दिल्ली में लिखी गई है और उसी के इशारे पे काम कर रहे हैं। हमारे पास 130 से ज्यादा विधायक इस समय है, इसकी परेड हम दिल्ली में भी करेंगे राष्ट्रपति के सामने और गवर्नर के भी सामने करेंगे। लेकिन भाजपा बहुमत के विधायकों का जो बहुमत है उसको गला घोट करके पुरानी तर्ज पर यहाँ राष्ट्रपति शासन की तैयारी में लगी हुई है और त्यागी साहब जीतन राम मांझी उसके मोहरे हैं। लेकिन एक बात हैरान करने वाली है, आप लोग जीतन राम मांझी पर सीधे निशाना नहीं साधकर बीजेपी के ज्यादा निशाने पर ले रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जीतन राम मांझी इसके लिए जिम्मेदार है? हालांकि उन्हें मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ने ही बनाया था। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेताओं के जो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन चाहते हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में 130 से ज्यादा विधायक जी खड़े हुए हैं परेड करने के लिए, जो दिल्ली भी आएंगे राष्ट्रपति के सामने, प्रणब मुखर्जी साहब के पास और राज्यपाल को भी दिखाएंगे। और हम देखते हैं सारे विपक्षी दलों से बात करेंगे कैसे लोकतंत्र का हथियार भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की मोदी सरकार घोषित है। मांझी जी खुद तो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है जबकि जेडीयू चाहती है कि वो इस्तीफा दें, ऐसे में अब आप लोग करेंगे क्या? हमारी मीटिंग हो रही है 4 बजे जी, तो उस समय क्या इस्तीफा दे सकते हैं जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री पद से? ये मुझसे पूछ रही हैं आप? जी हम तो 4 बजे अपनी मीटिंग करके नए नेता का चुनाव कर रहे हैं और उसके बाद हम 130 जो बहुमत का आंकड़ा है उसको लेकर के गवर्नर के पास जाएंगे, गवर्नर नहीं मानेंगे दिल्ली में आएंगे राष्ट्रपति महोदय के पास और भारतीय जनता पार्टी की जो कुत्सित साजिश है जी उसको पर्दाफाश करेंगे। लेकिन नए नेता का चुनाव त्यागी साहब आप तब करेंगे ना जब जीतन राम मांझी इस्तीफा देंगे, वो तो मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं, ऐसे में उनका बहुमत नहीं है, बहुमत के लिए विधानसभा है जी, तो बहुमत नहीं है उनका। तो आपको लग रहा है कि जबरदस्ती कुर्सी से चिपके बैठे हैं मांझी ये जानते हुए भी कि जेडीयू के तमाम नेता हैं जो उनके साथ रहने को तैयार नहीं है? ये सब भाजपा के इशारे तो बोलिए प्रस्ताव असेंबली डिजॉल्व करने का मुख्यमंत्री जी को ऑथराइजेशन का नरेंद्र सिंह ने पेश किया, आप मैडम उसको सात मंत्रियों ने समर्थन दिया, बाकी सारे उसके विरोध में थे, मतलब दो तिहाई से अधिक बहुमत से उस प्रस्ताव के खिलाफ खारिज किया गया। बताइए सात मंत्रियों ने उनको समर्थन दिया, खारिज किया नरेंद्र सिंह ने प्रस्ताव लाया था जिसे सात मंत्री छोड़ के सभी मंत्रियों ने उसे खारिज किया। पूरी बात बता पूरी बात बताइए श्याम रजक को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा भंग करने की सिफारिश जो नरेंद्र सिंह
मांझी के समर्थक की ओर से रखी गई थी वो खारिज हो गया है क्योंकि दो तिहाई मंत्री इसके खिलाफ थे। कुल मिलाकर जीतन राम मांझी जिसे मुख्यमंत्री प्रस्ताव को पारित करने के लिए वो कोरम नहीं तो दैट कोरम उससे हिसाब से तो रिकमेंड कर सकते हैं ना। नो ही कैनॉट गोइंग बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ही शुड नॉट एंड ही कैनॉट। है जेडीयू के वो चाहते हैं कि जीतन राम मांझी की सम्मानजनक विदाई हो जाए लेकिन मांझी अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं बड़ी खबर इस वक्त की है अब से कुछ ही देर के बाद यानी कि शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होने वाली है जिसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। 4 बजे जनता दल यूनाइटेड विधायक दल की ये बैठक है, नए नेता का चुनाव किया जाएगा और उसके बाद विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी ले जाकर राज्यपाल को सौंप दिया जाएगा। ये कहा गया है के सी त्यागी की ओर से जो महासचिव जेडीयू के कुछ ही देर पहले हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। कुल मिलाकर जीतन राम मांझी अपनी कुर्सी छोड़ें या नहीं छोड़ें, इस्तीफा दें या ना दें, लेकिन नए नेता आपको जो बताया वही सही है। नहीं नहीं हमने उनसे बात नहीं हुई, बता दीजिए। योगेंद्र बाबू ने बताया नहीं, बात नहीं हुई उनसे, निकल गए। क्या होगा क्या हुआ बता दीजिए। अब ये हम थोड़ी जानते हैं क्या अभी पकड़ लीजिए तो विधानमंडल दल की बैठक है, बैठक में सारी बातों को रखा जाएगा और बैठक में जो बातें छन के आएगी उस पर हम लोग के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, शरद यादव जी हैं, मुकेश अध्यक्ष हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह और सभी मंत्री सभी विधायक जुटेंगे। जो छन के बात आएगी उस पर निर्णय होगा। अभी क्या कैबिनेट में क्या हुआ, कैबिनेट में क्या हुआ? कैबिनेट में प्रस्ताव आया कि कैबिनेट का प्रस्ताव है कि विधानसभा को भंग करने का ऑथराइजेशन मुख्यमंत्रियों कर दे। तो अभी कोई ऐसी परिस्थिति भी नहीं है, कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं है और एजेंडे में भी बात नहीं आई है। तो सब लोगों ने विरोध किया इसका कि अभी चुनाव का समय नहीं है, 5 साल के लिए जनादेश मिला है और आप नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री हैं, आप इलेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं है, इस तरह का प्रस्ताव नहीं। अब तो आपके पास क्या विकल्प रह जाता है जब वो भंग करने की सिफारिश कर? सारा विकल्प खुला हुआ है, बिहार की 11 करोड़ जनता के सामने जाएंगे, इस बात को लेके जाएंगे। सारा विकल्प जनता के हाथ में है कि ईद के फैसले पर विकल्प है। आप चुनाव में जाएंगे, आप चुनाव में जाएंगे सरवण जी, आप चुनाव में जाएंगे, चुनाव में जाएंगे आप? जो सामने परिस्थिति आएगा उसका मुकाबला किया जाएगा। कौन कौन लोग प्रस्ताव के पक्ष में थे? मात्र 7 माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और बाकी सभी मंत्रियों ने इसका विरोध किया। विधायक दल की बैठक होगी शाम को 4 बजे, विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक होगी। क्या हम पूछ रहे हैं विधायक दल की बैठक होगी शाम को 4 बजे? बिहार विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव रखा गया, उसका सभी माननीय मंत्रियों, कुछ मंत्रियों को छोड़ के सभी ने इसका जोरदार विरोध किया कि अभी वक्त नहीं है, समय नहीं है और ये 5 साल की चुनी गई सरकार है और आप नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री हैं, इलेक्टेड नहीं है, इसलिए इस प्रस्ताव को वापस लें। 4 बजे की बैठक होगी, 4 बजे से हमारी बैठक होगी और बैठक में इन सभी बिंदुओं पर विचार भी किया जाएगा। क्या प्रस्ताव वापस हुआ? अब प्रस्ताव के बारे में हमने कह दिया, जो मुख्य सचिव की भूमिका में है नेमी साहब, उनको कह दिया गया है कि हम मंत्रियों की जो भावना है उसको ध्यान में रख के प्रस्ताव बन जाइएगा और नहीं तो आप ही फाइनल अथॉरिटी नहीं है, आगे भी जो लोग हैं उनके पास भी हम लोग भंग करने का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? मांझी ने कैबिनेट बैठक में रखा था प्रस्ताव, दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव खारिज हो गया है। आपको बता दें इस बैठक में, इस मीटिंग में मौजूद सिर्फ 7 मंत्रियों ने ही इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, बाकी 22 ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वॉकआउट कर दिया। इसके बाद मांझी ने राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश भेज दी है। अब बिहार विधानसभा के भविष्य पर फैसला लेने का दारोमदार गवर्नर पर आ गया है। इसके पहले मांझी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच जारी गतिरोध को दूर करने के लिए शरद यादव की ओर से मीटिंग बुलाई गई जो पूरी तरह से बेनतीजा रही। सीधे रुख करेंगे अभिषेक चंद्रा हमारे सहयोगी का। अभिषेक, ये झगड़ा तो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है और अब स्थिति ऐसी आ गई है 22 मंत्रियों ने जहां सीधे मोर्चा खोल दिया है मांझी के खिलाफ, तो वहीं 7 उनके समर्थन में भी हैं विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव पर, हालांकि वो खारिज होता है।
बिल्कुल चित्रा, हर पल बिहार की राजनीति नई करवट ले रही है और अभी 4 बजे से यानी कि अपने कुछ मिनटों के बाद से ही विधायक दल की बैठक शुरू होनी है, जिसके लिए विधायक जेडीयू के जो है विधानसभा परिसर में पहुंच रहे हैं। हम लोग भी लोकेशन पर हैं और जो पिक्चर हम यहां से देख पा रहे हैं वहां पर ज्यादातर विधायकों का ये मूड बन रहा है कि अब विधायक दल नया नेता चुन लेगा, यानी कि जीतन राम मांझी अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं करारी हार मिली है जीतन राम मांझी को कैबिनेट की बैठक में, जहां पर दो तिहाई मंत्रियों ने उनके प्रस्ताव को अभिषेक हमारे दर्शकों को आप समझाइए, क्योंकि केसी त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 4 बजे विधायक दल की बैठक में हम अपना नया नेता चुन लेंगे और विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंप देंगे। जीतन राम मांझी अगर मुख्यमंत्री बने रहते हैं ऐसे में नए दल का नेता चुना जाना और उसके बाद राज्यपाल को सिफारिश, फिर जीतन राम मांझी को हटाया कैसे जाएगा, इनको लेकर फिर स्थिति कैसे साफ की जाएगी जनता दल यूनाइटेड की ओर से? बिल्कुल चित्रा, बिहार जो है कहीं ना कहीं एक संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहा है। सारी निगाहें अब राजभवन की ओर टिकी होंगी कि राज्यपाल इन सारे मसलों को कैसे हल करते हैं। जीतन राम मांझी स्वयं इस्तीफा नहीं देंगे, ये बात तय हो चुका है, उन्होंने कई बार इस बात को स्पष्ट भी किया है। वहीं केसी त्यागी, समय शरद यादव और तमाम जो बड़े जेडीयू के नेता है उन्होंने इस बात का मन दरार किया है कि विधायक दल नया नेता चुनेगा। यानी अब से केवल कुछ मिनटों बाद करीब 4:30 तक हमारे पास ये न्यूज आ जाएगी कि विधायक दल ने एक नया नेता चुन लिया है। तो एक संकट जो है, संवैधानिक संकट जो है बढ़ता जा रहा है। देखना यह होगा कि राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी इस पर क्या फैसला लेते हैं और किस तरह इस पूरे मसले को, क्या जीतन राम मांझी केयर टेकर मुख्यमंत्री के रूप में आगे कंटिन्यू करते हैं या बिहार में फिर से नीतीश कुमार बागडोर संभालते हैं। ये चंद सवाल है जो कि अगले कुछ घंटों में ही स्पष्ट हो पाएंगे कि विधायक दल जो बैठक है उसमें क्या फैसला लेता है और राजभवन इस पर क्या रुख रखता है। इसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा क्योंकि अब से तकरीबन 19 मिनट के बाद विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी और उसमें बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को नहीं करनी है, क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर समर्थन नीतीश गुट का है, लेकिन कुछ ऐसे मांझी समर्थक भी हैं जो मांझी को ही मुख्यमंत्री के रूप में बने रहते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे में अब आगे क्या होगा, मांझी मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर अगर ज्यादातर विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंप दी जाती है तो फिर भविष्य अब बिहार का दिखता क्या है? चित्रा, अगर मोरल ग्राउंड की बात करें तो मोरल ग्राउंड पे स्वयं ही जीतन राम मांझी को ये पद अब खाली कर देना चाहिए, अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए, क्योंकि उनकी बहुत किरकिरी हो चुकी है। करीब 20 से 22 ही विधायकों की संख्या है जो कि जीतन राम मांझी के साथ दिख रहा है और उसमें से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नीतीश के पाले में आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार का पलड़ा भारी होता दिख रहा है और उन जेडीयू पर उनकी पकड़ फिर से तेज होते जा रही है। जीतन राम मांझी कमजोर होते जा रहे हैं और अगर ग्राउंड की बात करें चित्रा तो जीतन राम मांझी स्वयं भी इस्तीफा दे सकते हैं, इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अभिषेक, जीतन राम मांझी को लेकर जेडीयू में ऐसी नौबत क्यों आई कि अब अपने ही मुख्यमंत्री को हटाने के लिए जनता दल यूनाइटेड के नेता जद्दोजहद में लगे हुए हैं? देखिए, पिछले 6 महीने से खास कर करके जीतन राम मांझी जो है वो पार्टी की बातों को सरकार में नहीं रख रहे थे। बहुत सारे फैसले वो खुद कर रहे थे, नीतीश कुमार को नजरअंदाज कर रहे थे, तमाम ट्रांसफर और पोस्टिंग वो अपनी मर्जी से कर रहे थे और जेडीयू का ये मानना था कि सरकार का अपना जो एजेंडा है वो नीतीश कुमार बिहार समझ लीजिएगा जीतन राम मांझी जो है वो सरकार को ना लागू कर करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को, अपनी जाति समीकरणों को सरकार पर लागू कर रहे हैं। बिहार में जेडीयू का ये मानना था कि पिछले 6 से 8 महीनों में हालात काफी खराब हुए हैं, कामकाज काफी खराब हुआ है और जीतन राम मांझी हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर, हर मंच पर जातीय समीकरणों को ही ऊपर उठा रहे थे। पिछले 6 महीनों में इसका कोई दोहरा नहीं है। जितना ही दलितों के एक बहुत बड़े नेता के रूप में जीतन राम मांझी बिहार में उभर चुके थे। बिहार में जो विधानसभा चुनाव है केवल 8 महीने बाद है और काफी हद तक बीजेपी जो है वेट एंड वॉच कर रही है, तेजी से जो घटनाक्रम बदल रहे हैं उस पर नजर रख रही है और बीजेपी ने भी कई बार स्वागत किया है जीतन राम मांझी का अपनी पार्टी में। बहुत बड़ा वोट बैंक है जो कि जीतन राम मांझी के साथ में है और अगर जीतन राम मांझी बीजेपी में चले जाते हैं तो बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा अगले विधानसभा चुनाव में मिलता नजर आएगा। इस बात की संभावना बन रही है कि जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ जा सकते हैं अभिषेक? कुछ संभावना है क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता जो है उन्होंने हमेशा जीतन राम मांझी के लिए अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है। आज तक मुझे याद है कि किसी बड़े बीजेपी नेता ने जीतन राम मांझी के खिलाफ खुलकर बोला हो या उनके कामकाज के खिलाफ खुलकर बोला हो।
सभी बीजेपी नेता नीतीश कुमार के खिलाफ, शरद यादव के खिलाफ ही बोलते नजर आए हैं और जेडीयू के अन्य नेताओं के खिलाफ बोलते आए हैं। तो जीतन राम मांझी के सुशील मोदी को अपमान रखते हैं, जीतन राम मांझी के खिलाफ खुलकर बोला हो या उनके कामकाज के खिलाफ खुलकर बोला हो, सभी बीजेपी नेता नीतीश कुमार के खिलाफ, शरद यादव के खिलाफ ही बोलते नजर आए हैं और जेडीयू के अन्य नेताओं के खिलाफ बोलते आए हैं। तो जीतन राम मांझी के सुशील मोदी को अपमान रखते हैं। सीपी ठाकुर ने हमारे कैंडिडेट ही कई बार कहा है कि अगर वो बीजेपी में आना चाहे तो उनका स्वागत है। दरअसल अंदर की बात यह है कि तरह की बीजेपी जो है उस वोट बैंक पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं जो कि जीतन राम मांझी अपने साथ बिहार में लेकर आते हैं। करीब 40 से 45% का वोट बैंक है जो कि उनके साथ है। हर दलित उन्हें अपना नेता मानता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीतन राम मांझी बिहार के सबसे बड़े दलित चेहरे के रूप में उभर चुके हैं। उन्होंने महादलितों और दलितों के बीच जो खाई है उसको पाटी है। कहीं ना कहीं जो एक लकीर खचे थी महादलितों और दलितों के बीच उसको कहीं ना कहीं कम किया है। तो कुल मिलाकर एक अच्छा खासा वोट बैंक जीतन राम मांझी अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये वोट बैंक किस ओर जाता है? अभिषेक, आपका रुख हम करेंगे, सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राणा यशवंत, दिलचस्प ये भी है, सोचा भी नहीं होगा नीतीश कुमार ने कि जिसको वो मुख्यमंत्री बना रहे हैं एक दिन वही उनके गले की फांस बन जाएंगे और इतनी ज्यादा मुश्किलें जेडीयू के लिए पैदा कर देंगे, वो भी विधानसभा चुनावों के ठीक 8 महीने पहले। चित्रा, ये जेडीयू का सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ी चुनौती जो है वो चुनाव ही है। जीतनराम मांझी को बनाने को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसलिए बनाया था कि उनको लगा कि ये हमारी आवभगत करेंगे और मेरे कहे के मुताबिक रहेंगे, जेडीयू पर पूरा मेरा वर्चस्व रहेगा और सरकार मेरे कब्जे में रहेगी। नीतीश कुमार ने जैसा सोचा वैसा थोड़े दिनों के था, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। जीतनराम मांझी ने अपने सियासी प्यादे चलने शुरू किए। बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने 5-7 ऐसे काम किए जो नीतीश कुमार को नागवार गुजरे। पहला ये काम किया कि जितने भी अफसरान वैसे थे जो नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी थे, नीतीश कुमार के ना चाहने के बावजूद उनको वहां से हटाया। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि जो भी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अफसरान थे, यानी दलित और अति पिछड़े तबके के जो अफसरान थे, उनको उन्होंने अपने आसपास इकट्ठा किया। तीसरा काम उन्होंने ये किया कि जितने भी दलित विधायक हैं और पिछड़े विधायक हैं, अति पिछड़े विधायक हैं, उनको उन्होंने अपने आसपास खड़ा किया। यानी कि जेडीयू की राजनीति में नीतीश कुमार के समानांतर एक सत्ता खड़ा करने की कोशिश जीतनराम मांझी ने करनी शुरू कर दी थी। बिल्कुल, और यह टकराव नीतीश कुमार के बीच में पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा था और अब तो खुलकर सामने भी आ गया है, क्योंकि सीधे सीधे उन्होंने नीतीश कुमार की नाराजगी मोल ले ली है। अब आगे होगा क्या, बिहार की राजनीति किस दौर से गुजरती हुई दिखाई दे रही है आपको? मोटे तौर पर ये देखिए कि ठीक है कि बिहार उत्तर प्रदेश में जो राजनीति होती है वो जाति की राजनीति होती है, और अगर जीतनराम मांझी नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं तो इसी आधार पर दे रहे हैं कि 20-22% वोट जो है वो दलितों का बिहार में है और कमोबेश 16% के आसपास जो वोट होता है अति पिछड़ों का होता है। जीतनराम मांझी के आसपास जो लोग खड़े हैं वो अपने आप को इसी तबके का नुमाइंदा मानते हैं, उनको लगता है कि हमारे पास इस तबके का जनाधार है, इसलिए जीतनराम मांझी हमारी तरफ से नेता हो सकते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, नीतीश कुमार को चुनौती देना बड़ा मुश्किल काम है। नीतीश कुमार जेडीयू के एकमात्र नेता हैं जिनकी बिहार में पकड़ है, और जेडीयू के भीतर जो विधायक हैं 90% विधायक आज भी नीतीश कुमार की अगुवाई में ही भरोसा करते हैं। नीतीश कुमार के साथ जो तनातनी है, यशवंत जी आपका मैं रुख करूंगी। केसी त्यागी हमारे साथ जेडीयू के महासचिव एक बार फिर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आप केसी त्यागी जी, क्या ये माना जाए कि 4 बजे जो बैठक होने वाली है उसमें नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लेगी जेडीयू? जनता दल परिवार के सभी राष्ट्रीय नेता, जनता दल यू के सभी सांसद और विधायक और कार्यकर्ता श्री नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, इसलिए 4 बजे की बैठक में उनके नाम पर मोहर लग सकती है। राणा यशवंत जी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं जी। त्यागी साहब, ऐसी नौबत आई ही क्यों, लेकिन आपने जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया आपको उसको हटाना पड़ रहा है? वो श्री नरेंद्र मोदी के गुणगान में लग गए, वो श्री नीतीश कुमार का जो विकास का एजेंडा था उसको छोड़ दिया, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई, रोज वसूली होने लगी, एक एक दिन में 300-300 अफसरों के ट्रांसफर होने लगे। और ये मुख्य सवाल नहीं है, पर ये है कि क्या बहुमत की सरकार को बिहार में स्थापित होने दिया जाएगा कि नहीं, या लोकतंत्र का गला घोट जाएगा दिल्ली के इशारे पर? नहीं तो आपको त्यागी साहब यही लग रहा है ना कि जीतन राम मांझी जो कुछ भी कह रहे हैं या कर रहे हैं वो दिल्ली के इशारे पर नहीं, बीजेपी आला कमान के इशारे पर मांझी कर रहे हैं? मांझी जो है श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पढ़ी हुई लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं।
तो उनको हटाने की सबसे बड़ी वजह तो यही है ना कि आपको लगता है कि वो दरअसल नुमाइंदगी कर रहे हैं बीजेपी की, मुख्यमंत्री हैं जेडीयू के। केसी त्यागी से हमारा फोन कट गया है, लेकिन राणा यशवंत जी महत्वपूर्ण यही है, हमने देखा भी था हाल ही में कई मंत्रियों की ओर से भी जीतन राम मांझी को लेकर बयान दिए गए, और खासतौर से जब उमा भारती ने उन्हें गरीबों का मसीहा बता दिया तो इस बात की शंकाएं तो जेडीयू के भीतर जन्म लेने लगी कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इस समय। चित्रा, होता यह है कि राजनीति में जब अपने आप को आप सत्ता में रखना चाहते हैं तो आप अपने लिए विकल्प तैयार करते हैं ताकि आप जो संख्या बल है उसको अपने पास रख पाए। जीतनराम मांझी ने इसकी कोशिश की, इसीलिए उन्होंने वहां झांका जहां झांकना जेडीयू के लिए नागवार गुजर रहा था बीजेपी की तरफ। उन्होंने मोदी की तारीफ की, रामविलास पासवान ने उनको कहा कि नहीं अच्छे नेता हैं और वो बेहतर काम कर रहे हैं, दलितों के नेता हैं। उमा भारती का जाकर के मिलना और कहना कि दलितों के मसीहा हैं, यह सारी बातें कहीं ना कहीं जेडीयू आला कमान को इशारा कर रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है और अगर इनकी अगुवाई में सरकार कुछ दिन और चलती है तो बीजेपी कब्जा कर लेगी बिहार की सियासत और सत्ता दोनों पर, और हम जो प्लान कर रहे हैं, हमारी जो योजना होगी चुनाव की, वो सारी की सारी धरी की धरी रह जाएगी। मांझी ने तो मझधार में फंसा दिया है जनता दल यूनाइटेड को, अब आगे क्या होगा, क्योंकि केसी त्यागी जी कह रहे हैं 4 बजे हम अपने विधायक दल का नेता चुन लेंगे नीतीश कुमार को। वो चुनेंगे क्योंकि बहुमत उनके पास है, इसमें कोई दो राय नहीं। जीतनराम मांझी के पास, अभी आपने कैबिनेट में भी देखा है कि 7 मंत्रियों ने उनके प्रस्ताव का समर्थन किया लेकिन बहुमत से वो खारिज हो गया है। आज की तारीख में नीतीश कुमार की पकड़ है वहां, और बहुमत जो विधायकों का है नीतीश कुमार के पास है, लालू प्रसाद यादव के 24 विधायक हैं उनके साथ खड़े हैं, इसलिए बहुमत उनके पास है, वो मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। सवाल ये है कि नीतीश कुमार को आप फिर लेकर क्यों आ रहे हैं? एक आदमी जो बिहार में अपनी हार को कबूल करते हुए पद छोड़ता है, कहता है कि जनाधार मेरे पास नहीं है, जनता ने जो आदेश दिया है लगता ऐसा है कि उसको मेरी अगुवाई में मेरे नेतृत्व में भरोसा नहीं रहा है, इसलिए मैं अपना पद छोड़ रहा हूं, वही नीतीश कुमार चुनावों से ऐन पहले फिर उस कुर्सी पर आते हैं, इसके लिए उनके उनका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी का रोल इन सब के बीच आपको क्या नजर आ रहा है? सत्ता है और चुनाव सामने है और बीजेपी वहां मजबूत है बिहार में। चित्रा, अगर जो लोग बिहार से आते होंगे और बिहार की राजनीति को समझते हैं, उनको इस बात की समझ है कि अगर बिहार में सांगठनिक ढांचा किसी पार्टी का बहुत मजबूत है तो बीजेपी है। जाति के आधार पर जो पार्टी वहां बहुत मजबूत है वो आरजेडी है, जिसके पास मुस्लिमों का एक बड़ा हिस्सा और यादवों का पूरा हिस्सा रहता है। जाति के आधार पर मजबूत लालू प्रसाद यादव है, संगठन के आधार पर वहां मजबूत बीजेपी है, और जेडीयू के पास इस तरह का कोई बड़ा आधार है नहीं। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता थे जो उन्होंने अपने विकास के नाम पर, अपनी छवि के नाम पर चुनाव लड़ा और वो जीत करके आए जरूर, लेकिन जिस तरह से मोदी के आने के बाद जो राजनीतिक हालात बने हैं उसमें बिहार में जेडीयू को सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी की तरफ से है, और बीजेपी अगर बीजेपी लगातार यही चाहती रही है कि जेडीयू को कहीं ना कहीं वो कमजोर करे और जेडीयू की बची खुची जो साख है उसको वो खत्म करे। आप देखो लोकसभा चुनाव में 2 सीटें जेडीयू के पास आती हैं, 4 सीटों पर आरजेडी सिमट जाती है, तो 40 सीटों के राज्य में 6 सीटों पर आप बेदखल कर दिए जाते हैं, तो आपकी स्थिति अच्छी है नहीं। लोगों के बीच में आपकी साख घटी है, आपका जनाधार घटा है, और ऐसे घटते जनाधार में, गिरती साख में अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं पार्टी के भीतर तो और बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। बिल्कुल, महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई, साथ ही लालू प्रसाद का रोल अब क्या रह जाता है इस पर भी हम करेंगे चर्चा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। नीतीश कुमार के लिए जीतन राम मांझी गले की फांस बन चुके हैं, जिसको न वो उगल पा रहे हैं न निगल पा रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार इंडिया न्यूज की नजर बनी हुई है, फौरन लौटते हैं।